गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं? बेटा कीप द कैमराज ओपन प्लीज। प्लीज ओपन योर कैमराज। गुड गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम यस बेटा। मैम यू विल टीच अस सिविक्स। यस, यू डोंट वांट मी टू टीच यू? मैम एक्चुअली हम गगन सर मैम टीचर्स हम सो आई थिंक दैट In class 9th, of course, he teaches. Class 9th, he teaches. But in 10th, I only take. As of now, I am only taking it, okay? Okay, ma'am. Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, we'll start with the civics chapter 1. Fine, we'll start with civics chapter, and beta ye ishan kon hai apni class mein? Ishan Jauri, right? Yes. Now, what is the name of the beta? What is the name of the first chapter? Do you know? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. Beta, keep your cameras open, please. Keep the cameras open. Ma'am, power sharing. Power sharing. What is meant by power sharing? Can anyone tell? Ma'am, equal power should be given to. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Political parties. Huh? Ma'am, equal power should be given to political parties or their leaders. Okay, or? Ma'am, so they can run the government or run the country in a peace. ठीक है. What else? What else? Bushra, keep your camera open, beta. Just a minute. Is it necessary to share power, beta? Is it necessary to share power? Ma'am. Hmm? Ma'am, according to their post, it should be given. Because there will be equal power sharing and there will be equal, we can say, ma'am, there will be no discrimination. There will be no conflict actually, right? There will be no conflict, right? Is that so? Yes, is that so? Yes, ma'am. Yes. So. Yes, class? Yes, yes, ma'am. है ना? वैसी तो होगा? चलिए, तो ये जो चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर. वॉट एवर यू हैव डन इन क्लास 9 In democracy, it is a little elaboration of that. What were the features of democracy that we all know, right? So let us, quickly recapitulate. Prashasti, Vanshika, Kumar Parth is there. Okay, Ishan Jauri, Adarsh, Himanshu, Khyati, Kushagra. Please open your cameras, beta.
ऐसे नाम दिया वेयर है ओनली आदर्श. हाँ क्या कह रहे हो बेटा बताओ. I'm opening the camera. हाँ हिमांशु वंशिका fine. I hope you can see, you all can see the screen. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this chapter of geography, sorry, this chapter of civics. मेरा टॉप भी पर्पल लग रहा है. हाँ देखो पीछे से पर्पल है, रेड नहीं आ रहा. ख्याति ख्याति कैमरा कैमरा आपका मोबाइल वो स्पीकर स्पीकर चेक करो अपना. कोई नहीं. ओके इट इज फाइन नो इश्यूज. चलिए पावर शेयरिंग. क्लास 10th चैप्टर 1. अब ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का बेटा डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी एंड व्हेन वी से डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अल्टीमेटली मींस पावर शेयरिंग. डेमोक्रेसी अगर हम कहते हैं तो पावर शेयरिंग होती है और अगर पावर शेयरिंग की बात आती है तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में क्या आता है पावर डेमोक्रेसी आती है. ठीक है क्योंकि अगर पावर शेयरिंग की हम बात करें या अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें पावर इसमें जो है विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल थिंग्स टेक प्लेस है ना. जब बहुत सारे लोग आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग तभी तो चीजें प्रॉपरली हो पाती है ना. जैसे डेमोक्रेसी जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट एवरी वन नोज. अब इस डेमोक्रेसी अगर अगर हम इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं तो अगर हम ये बोलें कि भाई इसको आप डिफाइन करो तो आप हमें कैसे डिफाइन करके बताओगे डेमोक्रेसी को. कैन यू डिफाइन. यस मैम. हाँ बताओ डिफाइन करो. मैम डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैम इन व्हिच मैम रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स are elected by people. नहीं rulers नहीं where representatives. are chosen by people. भाई कल elections के result आए तो किसने choose करा उनको. वो representatives थे ना हम लोगों के. हमने उनको vote yes, दिया हमने उनको vote दिया तभी तो वो power में आ गए अब है ना. yes, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं. ठीक है दिस इज व्हाट वी नो अबाउट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट. यही तो है ना. yes, है ना. अब yes, जब डेमोक्रेसी जो है अगर कोई अगर आप किसी भी कंट्री का नाम लो आप कहो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा. ओके डेमोक्रेसी है मतलब द पीपल हैव द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. People, the representatives are responsible for the welfare of the people, right? यही सब तो दिमाग में आएगा ना हमारे. Yes, ma'am. यही सब आएगा ना. पर बहुत सारी countries ऐसी हैं in the world जहाँ पे democracy तो prevalent है जो जो कि जिनको कहा जाता है कि democracy है वहाँ पे but actual में वो democratic practices को follow नहीं करती है. Can you name any such country? Ma'am, Pakistan. हाँ. Ma'am, China. China. मैक्सिको सऊदी. तो सऊदी में तो वैसे भी डेमोक्रेसी का है.
सऊदी इज नॉट अ डेमोक्रेसी मैम. नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया तो आपकी डिक्टेटर है भाई. यस मैम. है ना, डेमोक्रेसी नहीं है वो. हम पूछ रहे हैं आप हमें अपने कंट्रीज के नाम बताओ जो को जिनको कहा जाता है दैट दे आर डेमोक्रेसी बट एक्चुअल में डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिवेलेंट इन दीज कंट्रीज. जैसे आपने चाइना बोला. हाँ, चाइना क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है बताओ भाई. मैम बिकॉज़ वन पार्टी वन रूल. पार्टी है मैम वही हमेशा आती है. यस बिकॉज़ इन चाइना ओनली सिंगल पार्टी इज प्रिवेलेंट. इट इज वन पार्टी सिस्टम वेयर ओनली द पीपल बिलोंगिंग दोज हु आर पार्ट ऑफ दैट पार्टी हैव द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड पीपल आर फोर्स्ड टू चूज representatives from that particular party only because they don't have any choice. Pakistan is a non-democratic country. Yes. No, ma'am. No, it is not. See, if we talk about Pakistan has a history where they have been, you know, switching from democracy to non-democratic, again democracy, then non-democratic, then military rule. So there is no consistency in the democratic structure of Pakistan. We cannot say that Pakistan is a democratic country throughout. See, at the time of independence in 1947, it was a democratic country. But then 1980 or before that, military dictator came. Military dictator was, you know, leading the country as a head. So, वहाँ पे off and on democracy आती है, फिर non-democracy हो जाती है, फिर democracy आती है, फिर military rule आ जाता है, dictatorship एक तरीके से follow हो जाती है. तो वहां का जो हिस्ट्री है ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कुछ बहुत ज्यादा फेयर सी नहीं है. ठीक है, और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है. अभी भी देखो वहां पे की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है दे आर नॉट वेरी स्टेबल. ठीक है, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान. लेट अस टॉक अबाउट चाइना एंड मेक्सिको. चाइना वी ऑल नो इज अ कंट्री विच कंडक्ट्स इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने जाते हैं, बट इन रियल सेंस इट इज नॉट डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है द पीपल हैव द राइट टू मेक चॉइसेस बट उनके पास तो बेचारों के पास कोई चॉइस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि केवल एक पार्टी है, वन सिंगल पार्टी इज देयर इन चाइना. ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई किसी भी मायने में. फिर आप आ जाओ मैक्सिको में. मैक्सिको का क्या केस था? कैन एनी वन ऑफ यू टेल? Ma'am, it was led by ma'am ZANU-PF party. Ma'am, there, ma'am, they used to do ma'am dirty tricks to win. What were those dirty tricks that were used by them? Ma'am, the party were advertised. Ma'am, the parents of ma'am they threatened the opposite party. बेटा मेक्सिको में PRI पार्टी जो थी उसका रूल था. ठीक है पार्थ? ठीक है, PRI ZANU-PF जो थी वो आपकी जिम्बाब्वे की थी जहां पे रॉबर्ट मुगाबे जो थे ही वाज द प्रेसिडेंट. ठीक है, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. दैट इज व्हाई पीपल यू नो यूनानिमसली चोज हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ही टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट दैट पीपल गेव टू हिम ही टुक अंडू एडवांटेज ऑफ दैट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. And then he kept on manipulating, amending the constitution for his own comfort, right? Yes, ma'am. Right? Fizzy. Then people were not given, you know, free rights to choose the give votes freely in the elections. They were pressurized to only vote for Robert Mugabe. There were several malpractices were involved, right? Mexico also was the same condition. Though Mexico PRI party was there, some other parties were also there, but the members of PRI party did not allow anybody else to come to power. Why? Because the parents were influenced by them, right? They were pressurized to vote for only PRI party. Media was not supposed to, you know, highlight the good things of any other party, but only about PRI party. So people were like, you know, the parents were threatened there that dare you give, you know, vote to any other party. Otherwise, you see your child, we will not let the child study in the same school, or we will, you know, not let him pass the or promote to be promoted to the next class. So these kind of practices were there. So we cannot say China, Mexico as a democratic country. I hope itna aap logon ko clear ho gaya hai. Yes, ma'am. Achhe se, Arihan? Yes, ma'am.
Aryant, clear hai beta? Yes, ma'am. Okay. Now coming to the चैप्टर देखो हमारे चैप्टर में पावर शेयरिंग हम बताएंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हाउ पावर इज शेयर्ड. देखो बेटा जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो चार तरीके से शेयर होती है. पता है कैसे ऐसे होती है? कैन यू नेम? यस मैम. बताओ. मैम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली. ओके मैम. थर्ड इज मैम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिलीजन एंड मैम द फोर्थ इज मैम फॉर द कम्युनिटी. ठीक है. फॉर द कम्युनिटी ग्रुप. देखो हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वी कैन से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सोशल ग्रुप्स एंड द प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है. ठीक है. ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है और ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है. क्लास नाइन्थ में जब व्हेन यू रेड अबाउट द वर्टिकल व्हेन यू रेड अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस यू रेड अबाउट द पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. कैन यू टेल व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हाउ द पावर्स आर डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली इन डेमोक्रेसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? Anyone of you? Horizontally, ma'am, from central, then ma'am state. Horizontal, ma'am. State, then ma'am. No, ma'am. Sorry, ma'am. In vertical, it's like ma'am central, state, then local, and ma'am from horizontal, it's ma'am executive, judiciary, and legislature. Very good. Very good. अब इसको हम other words में हम क्या कहते हैं जानते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं जो इसका जो एक स्पेसिफिक टर्म होता है उसको हम कहते हैं इन हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर द पावर्स आर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. अब ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या हुए? आपके एग्जीक्यूटिव legislature and executive legislature and judiciary and judiciary. Yes. ठीक है. executive legislature judiciary ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपके horizontal division of power होती है. ठीक है. horizontal का मतलब क्या होता है? एक level पे है, same level पे है. ठीक है. executive भी legislature भी और जुडिशरी भी. पर इन सब की अलग अलग पावर्स होती हैं. ये अलग तरीके से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. यस मैम. राइट. अब अगर हम वर्टिकल डिवीजन पे आते हैं तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है दैट देर आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मतलब एक वर्टिकल डिवीजन है जहां पे सबसे ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है. फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है. इतना क्लियर आप लोगों को? यस मैम. ये आदर्श यशराज और वंशराज आपके कैमराज अभी तक खुले नहीं है बेटा. आदर्श वंशराज एंड यशराज. वंशराज गिल आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा कैमरा आप अगर कैमरा नहीं ऑन करोगे तो हाउ डू आई नो दैट यू आर देयर इन द क्लास. प्लीज स्विच टू द ऑन मोड ऑफ योर कैमरा. आदर्श यू आल्सो बेटा. यस यशराज. ओके मैम. आदर्श. ओके मैम. फाइन. ये क्लियर हुआ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी एज हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. एम आई राइट? एम आई राइट व्हेन आई से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? यस मैम. दिस इज वर्टिकल.
ये जो स्ट्रेट लाइन खड़ी है, दिस इज वर्टिकल एंड स्लीपिंग इज द हॉरिजॉन्टल, राइट राइट? ये दोनों चीजें क्लियर हुई अच्छे से आप लोगों को? हमें पता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, लोकल गवर्नमेंट अलग होती है, इन सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं, इन सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे ये लॉ बनाते हैं। हमने क्लास सेवेंथ और एट्थ में पढ़ा है रिस्पेक्टिवली, क्लास एट्थ में हमने पढ़ा है अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लास सेवेंथ में मैंने खुद पढ़ाया था आप लोगों को अबाउट दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? उसको रिकैप कर लीजिएगा, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे नहीं है, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन वी टॉक ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टू ईच वन ऑफ यू। यस मैम। हॉरिजॉन्टल डिविजन में एक लेवल होता है बट अलग अलग पावर्स एक्सरसाइज करते हैं और सबके पास जो है पावर्स नहीं होती है। ये एक जो सिस्टम होता है आपका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो डिवीजन होती है पावर्स की, उसको हम चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए क्योंकि जो जुडिशरी होती है बेटा, जुडिशरी ये आपकी टोटली सेपरेट होती है। जुडिशरी ना तो एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस्ड होती है ना ही लेजिस्लेचर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। फाइन फाइन? यस मैम। यस मैम। हां यस मैम। व्हिच वी कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस। बेटा चेक्स एंड बैलेंस जो होती है वो आपके, जस्ट अ सेकंड, चेक्स एंड बैलेंस आपका ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे की पावर्स को चेक करता है, ठीक? जुडिशरी जो है वो चेक करता है किसकी पावर्स को? मैम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना? ऐसे ही तो होता है। यस, है ना? चलिए, यस मैम, ठीक है। इतना पोर्शन क्लियर हो गया सबको? मैम यस, आई हैव सम डाउट। क्लियर हुआ? मैम व्हाट, आई हैव वन डाउट, है ना? क्लियर है सबको ये? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हां जी बेटा, पूछो बेटा। मैम हु आर दोज पीपल हु कम इन द सेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी? ओके फाइन, लेट अस आस्क वंशराज गिल। वंशराज जी बताइए, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में कौन कौन लोग होते हैं, आप बता सकते हैं? लेजिस्लेचर क्या होता है बताओ, एनी वन ऑफ यू? यस यशराज बताओ बेटा, वेरी गुड। मैम लेजिस्लेटिव में मैम एमएलएज एंड एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट में, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो? मैम लोकसभा मैम लोअर हाउस। ओके, एमएलएज एमपीज जो है दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो कि लॉ को जो है इनएक्टमेंट में लेके आते हैं। जैसे आपका जो लोकसभा, राज्यसभा है, जो पार्लियामेंट है, या जो आपका विधान परिषद या विधानसभा है, वहां पे क्या होता है, बिल पास होता है, ठीक है? और फिर जब सब लोग उससे, उस बिल से सहमत होते हैं तो वो एक कानून बन जाता है, ठीक है? ठीक है, यही तो होता है ना, यही तो होता है, ठीक है? और जो जुडिशरी होती है बेटा, जुडिशरी में आपके ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, ये सब लोग आते हैं बेटा, ठीक है? जुडिशरी में, ठीक है? ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि लॉ के, जैसे हम कहते हैं ना कि कानून के रखवाले टाइप होते हैं, ये लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो कानून, जो लॉज इंप्लीमेंट किए गए हैं उनको पीपल आर फॉलोइंग, ठीक है? ठीक है, हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में पढ़ा था ना? Yes, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा था,
इवन वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में भी, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा था ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड होती है, सिविल सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, है ना, राइट बेटा. अब आप ये समझ लो कि जितना भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है बच्चे, वो आपको यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज इन दिस क्लास यू विल नॉट बी टॉट दीज बेसिक थिंग्स, यू विल बी टॉट यू नो थिंग्स विच आर फर्दर अबव दैट. ठीक है, तो हम आज इसको जस्ट अ रिकैप्चुलेशन ले रहे हैं, बिकॉज आई नो कि इतने टाइम तक ये चीजें हम जब करते नहीं है तो हमें हमारे दिमाग से निकल जाती है. ठीक है, तो अब पहले तो आप हमें बताओ ये ऑर्गन्स वाला क्लियर हो गया आपको अच्छे से पार्ट? अब आपको समझ में आया ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी अपनी अपनी पावर्स होती है. एग्जीक्यूटिव में जो है आपका प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, लेजिस्लेचर में आपके जो है एमपी एमएलए आते हैं जो कि लॉ को बनाते हैं. ठीक है, और उसकी सेफ गार्डिंग, उसकी प्रोटेक्टिंग कौन करता है? जुडिशरी करता है. ठीक है, ठीक है, चलिए फाइन. अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर्स आर क्लियर टू एवरीवन? यस ना. अब आप आ जाओ सोशल ग्रुप्स पे. ये सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जो एक ही भाषा बोलते हैं वो अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. ठीक है, कास्ट ग्रुप्स होते हैं, एक ही सिमिलर कास्ट वाले जो होते हैं वो अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो कि एक ही धर्म को मानते हैं, वो लोग जो है अपना एक एसोसिएशन, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं. अब ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, इनके इनके हाथ में भी पावर होती है. पावर कैसे होती है? जैसे डेमोक्रेसी का ये पार्ट होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप का ये पार्ट है, तो ये लोग जो हैं अपनी इनकी जो डिमांड्स हैं ये सरकार के आगे रखते हैं कि भाई हम क्योंकि एक डेमोक्रेसी का पार्ट है तो वी वॉन्ट कि भाई हमारे इन इन जरूरतों को देखा जाए. ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन सोशल ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में भी आती है, है ना भाई, इनका वोट भी तो जाता है ना उनके पास. यस मैम. और अगर यही लोग, अगर यही लोग कह दें कि हम वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पावर कम हो जाती है, उनके चांसेस टू कम टू पावर कम हो जाती है, है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ इसका इम्पैक्ट होता ही है. जैसे अभी ये जो इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा वाले इलेक्शन यूपी में, एक गांव था वहां के लोगों ने मना कर दिया, कहा हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. एक गांव में अच्छे खासे लोग होते हैं, तो भाई अब इतनी अफरा तफरी मच गई, कहा भाई ऐसा क्यों, ये क्या तरीका है, आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? बोले हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पिछले इतने सालों से हमें हमेशा कहा जाता है हमारे यहाँ सड़कें बनाई जाएंगी, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज जो है हमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, पर सरकार आती है, सरकार बनती है और हमारी सब जरूरतों को लोग भूल जाते हैं, सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है. तो बा मुश्किल उन लोगों को समझाया गया, गाँव वालों को उन्हें जो है मनाया गया, उनसे कहा गया नहीं आप इस बार वोट करो और फिर बताओ कि आपकी चीजों को देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है. पर उन लोगों ने देवर सो एडमेंट कि आप सोचो डीएम जो होते हैं, डीएम उनको जाना पड़ा, उनके उनको अपने साथ इतने लोगों को, हाई ऑफिशियल्स को ले जाना पड़ा जस्ट टू मेक देम यू नो, जस्ट टू मेक देम यू नो कन्विंस देम दैट प्लीज गो फॉर वोटिंग, इट इज योर राइट, यू शुड नॉट डू अवे विद दिस. ठीक है, तो आप सोचो कितना मुश्किल होता होगा अगर वैसे तो कहते हैं कि भाई 100 लोग तो है क्या फर्क पड़ता है, 1000 लोग ही तो है क्या फर्क पड़ता है, पर एक इंसान के ना वोट देने से भी फर्क पड़ता है, है ना, पड़ता है ना. तो किसी तरीके से उस गांव के लोगों को मनाया गया और कन्विंस करा गया कि नहीं आप इस बार पार्टिसिपेट करो और फिर बताओ आपकी किन चीजों को नहीं देखा गया, तो वी विल लुक इनटू दैट. तो जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे, उनकी शिकायतें थी, वो उन लोगों ने बताई. तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, ये जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एक पॉजिटिव वे में, इनका भी बहुत इम्पैक्ट होता है इन पावर्स में. कहीं ना कहीं इनके इनकी वजह से, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा? ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, दे कैन बी ऑफ यू नो सेम लैंग्वेज, दे कैन बी ऑफ रिलीजन, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज दैट पीपल बिलोंग टू. ठीक है, ये हर तरीके के होते हैं, राइट? राइट, ओके.
नाउ कमिंग टू दी प्रेशर ग्रुप्स. ये जो प्रेशर ग्रुप्स होती जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो बना करती है प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि आप देखो अभी इलेक्शंस हुए, कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट करा, उन लोगों ने लोगों से कितने वादे करे, कितना कुछ कहा, है ना. तो लोगों ने किसको चुना, जिनको लोगों को जब ये लगा कि भाई हाँ ये इंसान, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ये हमारी बात सुनेगा, हम इसको पावर में लेके आएंगे. अलग अलग जगहों से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जीते हैं ना, ऐसे ही तो हुआ है ना. यस मैम. और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है. अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करते हैं और जो लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं किसकी जीत हुई है, लोगों की जीत हुई है. क्योंकि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है टू चेंज द रॉन्ग डिसीजंस दैट दे हैव टेकन, ठीक है. और इनका इतना इन्फ्लुएंस होता है बेटा कि इन लोगों की वजह से जो गलत सरकार की नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, गलत डिसीजंस होते हैं, गलत डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है रोक दिया जाता है. क्योंकि उन्हें पता है कि हर किसी का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन गवर्नमेंट मेकिंग. अगर कुछ लोगों को हमने नाराज कर दिया और हम ये सोचे कि भाई इनके नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. ये जो अगर 10-50 लोगों को हमने नाराज करा, तो वो 10-50 लोग अपने आगे के सर्कल में और 50-60-100-70-80 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो लोग के आगे और उन लोगों के आगे और, तो ऐसे होते होते एक बहुत बहुत बड़ा सर्कल और बहुत बड़ी चेन बन जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, ठीक है. लोगों का भी, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इसलिए इन प्रेशर ग्रुप्स और या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इनको बहुत मानते हैं, ठीक है. भाई आप, हमने आपसे कोई प्रॉमिस करा और हम उसको फुलफिल ना करें, और नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा आएंगे, आना चाहते हैं पावर में, हम आपसे कहते हैं नहीं इस बार हम पूरा करेंगे, तो क्या आप हमारी झूठी बात में आ जाओगे? नहीं आओगे ना हमारे बहकाने में, क्योंकि आपको पता है पहले 5 साल हमने कुछ करा नहीं, अब अगले 10-5 सालों में हम क्या कर लेंगे, हम अपना ही मतलब साधेंगे. अब यस्टरडे यू नो आई वॉज गोइंग आउट, सो आई ओवरहर्ड यू नो ओल्ड मैन सेइंग कि जो है वो ही वॉज ऑल कंप्लेनिंग टू द पर्सन विद हुम ही वॉज यू नो वॉकिंग. He said that क्या फायदा हुआ जो है, हमने जिसको ग्राम प्रधान बनाया उसने हमारे लिए तो किसी फैसिलिटी का ध्यान नहीं रखा, अपने ही अपना सब कुछ कर लिया. बोले एक मंजिला उसका जो है, जो एक सिर्फ जो मकान था उसने अपने मकान को 3 मंजिला कर लिया, बोले उस पैसे से कर लिया जो पैसा हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए आया था. तो दूसरा जो साथ में उसके आदमी था, तो बोला कोई बात नहीं चचा, अब आप क्या करिएगा, अगली बार जब ग्राम प्रधान के इलेक्शन होंगे तो आप उसको मत वोट दीजिएगा. तो बोले हम तो बिल्कुल ना दें, बोले हम और 50 लोगों को और कहेंगे मत दो उसको, हमारा पैसा खा गया वो, सरकार ने हमारे को पैसा दिया था, ग्रांट्स आती है ना गवर्नमेंट की कि भाई आप इनके लिए बना दो वो बना दो, तो कह रहे हम तो और 50 लोगों से कहेंगे ना दियो वोट बिल्कुल भी. तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हुए आपके, पॉलिटिकल पार्टीज हुई, या जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग ग्रुप्स या एसोसिएशंस के, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता जरूर है, ठीक है. तभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अपने लोगों को जब ये प्रोमिसेस करती हैं, व्हाई डू दे गो फॉर यू नो दीज फुलफिलिंग दीज डिमांड और द यू नो रिक्वेस्ट दैट पीपल डू, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो एक काम नहीं करेंगे तो अगली बार वो पावर में भी नहीं आएंगे, है ना. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना किस तरीके से जो लोग, जो लीडर्स प्रोमिसेस करते हैं उनको फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट इलेक्शंस में वो अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं, लोग उनको वोट करते ही नहीं है, वोट आउट कर देते हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट, है ना. यस राइट. इतना क्लियर हुआ, ये चारों चीजें क्लियर हो गई आप लोग को अच्छे से? यस मैम. ओके, ये तो हमारे चैप्टर में सबसे आखिरी में ये चीज है, पर हमने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम लोग बेटा 2 केस स्टडीज पढ़ेंगे, 2 कंट्रीज की, श्रीलंका और बेल्जियम. हाँ ठीक है. श्रीलंका तो एक एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री, जो कि हमारे कंट्री के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है, आइलैंड नेशन है. और बेल्जियम जो है यूरोप का एक पार्ट है, ठीक है, यूरोप का पार्ट है ये. यस मैम. यस मैम. तो इन दोनों, ये दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पर डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद इन कंट्रीज ने
अपने कंट्री की जो एथनिक वेरिएशंस थे उनको बहुत खराब तरीके से डील करा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एथनिक वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज विच वर प्रेजेंट इन दीज कंट्रीज, दे हैड सम प्रॉब्लम्स, दे हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट दे हैड अमंग देम, इट वॉज डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में इस एथनिक वेरिएशन जो था या एथनिक कंपोजिशन जो थी, उसने कहीं ना कहीं कंट्री के यूनिटी को, इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करा था। ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने, इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या मेजर्स अडॉप्ट करे जिसकी वजह से एक कंट्री में तो पीस हो गई और एक कंट्री में सिविल वॉर। ठीक है, तो किस कंट्री में पीस हुई, हमने किस कंट्री के आगे पीस लिखा है, बेल्जियम। और किस कंट्री के आगे हमने सिविल वॉर लिखी है, श्रीलंका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इन दोनों का, पर क्योंकि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम है तो हम रीडिंग अभी शुरू नहीं करेंगे। हम एक मोटे तौर पर आपको छोटी छोटा चीज समझा देंगे कि श्रीलंका, का मतलब होता है जो डिफरेंट कम्युनिटीज विच आर देयर, है ना। जैसे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम श्रीलंका का केस लें तो श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते थे, एक तो सिन्हालास और दूसरा तमिल्स। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब इसमें भी वेरिएशन था। तमिल्स जो थे वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, श्रीलंकन तमिल्स। बेटा देखना किसका है, श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स, राइट। यस मैम। ठीक है, और अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं, बेटा जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ जी बेटा ये ठीक है, तमिल्स जो थे वो दो तरीके के थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, राइट। यस। अब इसमें भी क्या था, इसमें भी जो सिन्हालास थे वो, कुछ सिन्हालास जो थे वो बुद्धिस्ट थे और कुछ सिन्हालास जो थे क्रिश्चियंस थे। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है डिफरेंट कम्युनिटीज देर आर देर इन अ कंट्री। क्या थी ये, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर हम आते हैं बेल्जियम पे, तो बेल्जियम में तीन तरह की कम्युनिटीज थी, डच, फ्रेंच और जर्मन्स। ठीक है, ठीक, डच, फ्रेंच और जर्मन्स। डच जो थे, फ्रेंच जो थे और जो जर्मन्स थे, इनकी अलग अलग परसेंटेज थी इन द कंट्री। इसको हम बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ द कंट्री, राइट। अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक कंट्री थी और कंट्री के की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, कंट्री में और ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में बड़ा वेरिएशन था। डच जो थे पूरे कंट्री में आपके 59% थे, पर ब्रुसेल्स में जो डच थे वो केवल 20% थे। ठीक, फ्रेंच जो थे पूरे कंट्री में 40% थे और ब्रुसेल्स में ये थे 80%, और जो जर्मन्स थे वो केवल 1% थे। ठीक है, पूरे कंट्री में जो जर्मन्स थे वो केवल 1% थे, डच 59% थे और फ्रेंच जो थे वो आपके 40% थे। ठीक है, क्लियर। पर जो कैपिटल सिटी